सो दोस्तों, आज मैं आया हूँ संस्कार की पंडाल और ये है सेकंड ब्लॉग हमारी गणपति सीरीज़ का। और यहाँ पर बन रहे हैं भाई इंस्टाग्राम के सबसे वायरल, सबसे ट्रेंडिंग गणपति। यहाँ सिर्फ दो गणपति बना रहा है संस्कार, लेकिन वो जो दो गणपति बना रहा है ना, उनमें से जो एक गणपति है वो तो नेक्स्ट लेवल बना दिए उसने। मतलब उसकी उम्र के हिसाब से उसने बहुत बड़ा काम किया है। वो जब मैं आपको अभी पंडाल में अंदर दिखाऊंगा तो आप समझोगे कि मेरी भावनाएं क्या हैं उसके लिए। मैं हमेशा सपोर्ट करता हूँ उसको, क्योंकि भाई मैं नहीं बना सकता ना, हम नॉर्मल लोग हैं, हम लोग नहीं बना सकते। पर उसने फोटो देख के, क्योंकि शहर में और कहीं मैंने अभी तक देखी नहीं है ऐसी मूर्ति कोई बना रहा, उसने से फोटो देख के, इंस्टाग्राम की फोटो देख के जो कहीं बाहर बन रही है वो देख के ये चीज़ बना दी है, तो ये थोड़ा सा अप्रिशिएट करने वाली बात होती है। आज के व्लॉग में मैं म्यूज़िक नहीं रख रहा हूँ क्योंकि सिर्फ दो गणपति हैं, लेकिन मैं आपको पूरी डिटेल्स बताऊंगा कि वो कैसे बना रहा है, मूर्ति कहाँ जा रही है और वो कैसे दिख रहे हैं एक्चुअली में। चलते हैं पंडाल के अंदर। ये पूरा पंडाल होता है संस्कार का वो पीछे तक है, और यहाँ पे जस्ट वो रखे हुए पैर दिख रहा होगा आपको, संस्कार यहीं बैठा है। एंड सबसे पहले इनकी बात कर रहा हूँ मैं आपसे, ये वाले गणपति जो है वो हनुमान जी के स्वरूप में है और गुस्से में बैठे हुए हैं एक्चुअली। बॉडी पोस्चर आप देख सकते हो, अभी मैं पूरी तरीके से दिखाऊंगा। अभी जो है वो पैर का काम चल रहा है। ये संस्कार भैया है, हमेशा शर्मा जाता है ये कैमरे पे आने में। एक वैभव भैया भी, इनके छोटे वाले भैया, वो अभी स्कूल गए हुए हैं, वो उनका भी हाथ लगता है और इनका भी हाथ लगता है, दोनों भाई मिलके बनाते हैं। और क्या तगड़ी चीज बनाई है भाई, मतलब देखो आप कितने सुंदर बने। और सबसे सबसे सही बात यह है कि ये वाली जो प्रतिमा हमको जबलपुर में ही देखने को मिलेगी। हम मतलब ये बाहर चली जाती ना, बहुत अच्छी अच्छी प्रतिमाएं तो हम जा नहीं पाते, लेकिन ये जबलपुर में ही देखने को मिलेंगी। तो इस साल जो है काफ़ी सारी रील्स देखने को मिलने वाली हैं आपको इनकी, बहुत मज़ा आने वाला है पंडाल में जब ये बैठेंगे, जब इनमें कलर वगैरह होगा। अभी आप देख सकते हो कि इनका जो आकार है, ये संस्कार तकरीबन 12 फीट होंगे, इनकी जो हाइट है वो 12 फीट पहुंच चुकी है और बहुत बड़े हैं भाई ये। मैं सामने खड़ा हूँ ना तो मुझे समझ में आ रहा है क्या ही आकार है। और उसी के साथ बहुत इजी नहीं होता है इतनी बड़ी मूर्ति में ऐसी सारी चीज़ें, आप मसल्स देख सकते हो, बाइसेप्स देख सकते हो, देन इसके बाद ये वाला हाथ, और ये वाले हाथ में ये इसको क्या कहते हैं, मुगदर कहते हैं इसको, ये पकड़ेंगे अभी ये होने वाला और वो पैर की फिनिशिंग कर ही रहा है ना। सो ये वाला हाथ देखो आप, ये कितना बड़ा है, हाइट के हिसाब से बनाना होता है, एंड ये बहुत सही बनाया है। और चेहरा तो आप देख ही सकते हो। एक टाइम पे संस्कार अभी परेशान था कि भैया यार ऑर्डर तो आ गया है, बनाएंगे कैसे, क्योंकि क्लियर पिक्चर नहीं है। तो इंस्टाग्राम क्या करता है ना, जो भी बात करता है वो रिकॉर्ड करता है और वही चीज़ें आपको सजेस्ट करता है। तो मैं जब घर गया तो मुझे इन्हीं से रिलेटेड कुछ रील्स और कुछ फोटोज मिली थी और मैं तुरंत भेजते जाता संस्कार को। तो ये वाला हाथ भी क्या सही बनाया लड़के ने, एंड जिस तरीके से एक इंसान बैठता है ना पूरा पोस्टर लेके, बिल्कुल वैसे ही बने हुए हैं, चाहे आप मसल्स देखो। फिर इसके बाद ये नसें बनाई हुई हैं, फूली रहती है ना, तो ये वाली नसें बनाई, और चेहरा तो बहुत सही है। कलरिंग वो सोच रहा है कि मैं कलर क्या करूं जिससे मूर्ति और एनहेंस हो और ज्यादा सही दिखे, सो वो उसका पार्ट है, वो खुद कर लेगा। बेस होना चाहिए, जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो बहुत ही सही है। एंड मैं वेट कर रहा था कि इनका चेहरा बन जाए, थोड़ा सा फिनिश हो जाए, उसके बाद मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि इसके पहले जब इनका चेहरा नहीं बना था तब मैं ब्लॉग शूट कर चुका था। पर फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, पहले अब ये बन जाए उसके बाद ही हम दिखाएंगे, तब समझ में आएगा कि हाँ काम हुआ है। और दूसरे गणपति हैं ये वाले, ये महाराज पैटर्न में बन रहे हैं। ये वाले मैं आपको शायद दिखा चुका हूँ रील्स में, जो मेरी सीरीज चल रही है घिसाई वाली। तो इनका भी जो पेट वगैरह ना, जैसा गणेश जी का पेट रहता है प्रॉपर, बिल्कुल वैसे ही आया। और इनकी हाइट भी तकरीबन 10 फीट तो होगी, 10-11 फीट। इनका जो पैटर्न बन रहा है वो मैं दिखाता हूँ, वो किस टाइप का बन रहा है, वो बन रहा है ऐसा। ये वाली जो फोटो है इनमें बस ये जो छतरी पकड़े हुए हैं ये नहीं रहेगी, और ये वाला हाथ उन्होंने चेंज करवाया समिति ने। तो ये ऐसी फ़ोटो है जिनको देखकर ये वाले जो गणपति हैं ये बन रहा है, बड़ा ही सही लग रहा है। यहाँ से देखो ये वाले गणपति भी दिख रहे हैं, वो वाले भी दिख रहे हैं, मज़ा आ रहा है देखने में। ऐसा साइड लुक भी देख रहे हैं तो भी भाई पावर फील हो रही है, एक स्ट्रेंथ फील हो रही है, क्योंकि वाइब ऐसी है। आज जो है वो ये पैर तैयार हो जाएगा, एंड आज सिर्फ 20 तारीख है तो अभी हैं, काफ़ी दिन है और अच्छे से प्रॉपर टाइम मिलेगा इनकी फिनिशिंग करने के लिए। सो दोस्तों, ये था गणपति सीरीज़ का हमारा सेकंड ब्लॉग, छोटा सा ब्लॉग, ज़्यादा मैंने कुछ रखा नहीं है और म्यूज़िक मैंने अभी लगाया नहीं है, ये मैं लगाऊंगा जब इनमें थोड़ी सी फिनिशिंग और हो जाएगी, कलरिंग वाला प्रोसेस होगा, तब आपको ज़्यादा मज़ा आएगी, तब आपको और देखने में समझ में आएगा अच्छे से। वेल, अभी भी आपको बहुत अच्छे से लगा होगा, आपको समझ में आएगा। और अगर आप इस प्रतिमा के बारे में जानते थे, आपने इंस्टाग्राम पर देखे होगी, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वेल, अच्छी बात यह है कि ये जबलपुर शहर में ही देखने को मिलेंगी, तो भाई जब घूमने वाला, जब पंडाल में मूर्तियाँ पहुँच जाएंगी और जब वो वाइब, जो लाइट लग जाएगी और उसके बाद जो मज़ा आएगा, तो वो नेक्स्ट लेवल होने वाला है। आज के लिए मैं बस इतना ही रख रहा हूँ, मिलता है फिर आपसे नेक्स्ट। टेल के बाबा, टेक केयर ऑफ सेल्फ और चिल्वर से जीत रही है। बाय बाय।